सीरीज का नाम है द नाइट ऑफ और इसके मरकजी किरदार जॉन टोटरो, रिज अहमद, अमारा करण। अब बात करते हैं इसके थीम पर। यह स्टोरी है नासिर नामी एक मुस्लिम लड़के की जो अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क में रह रहा है और क्वीन नामी कॉलेज में तालबे इल्म है। एक दिन उसके दोस्त उसे एक पार्टी में इनवाइट करते हैं। वो अपने बाप की टैक्सी लेकर पार्टी में जा रहा होता है कि रास्ते में उसे एक लड़की लिफ्ट का कहती है और वो उसे लिफ्ट दे देता है। वो लड़की उसे अपने घर ले जाती है जहां वो दोनों कुछ ड्रग्स लेते हैं और सो जाते हैं। कुछ देर बाद नासिर की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि लड़की मर चुकी है और उस पर हंजरों के बेदर्पे वार दिखे। नासिर वहां से भाग जाता है लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और मर्डर के बारे में पूछती है। नासिर उन्हें बताता है उसे कुछ नहीं पता और उसने लड़की को नहीं मारा, लेकिन सबूत और गवाह तमाम नासिर के खिलाफ होते हैं। पुलिस नासिर को जेल भेज देती है और मुकदमा अदालत में चला जाता है। अब ये एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है और मीडिया और अटारनी सब की नज़र इस केस पर होती है। अब नासिर की फैमिली को उसे बचाने में क्या क्या मुश्किलात उठाना पड़ती हैं, रेसिज्म से इनको क्या क्या नुकसान उठाना पड़ता है, जेल में नासिर को क्या क्या मुश्किलात उठानी पड़ती हैं, क्या नासिर ने वाकई में उस लड़की का कत्ल किया है और अगर उसने ये कत्ल नहीं किया तो फिर ये कत्ल किसने किया है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप ये सीरीज देखेंगे। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिंग पर। तो सीरीज बहुत कमाल है, इसमें सस्पेंस देखने को मिलता है, अच्छी एक्टिंग देखने को मिलती है, नासिर नामी किरदार रिज अहमद ने किया है और हमेशा की तरह अपनी काबिलियत दिखाई है। कहानी में जगह जगह रेसिज्म जैसे संगीन इशू दिखाए गए हैं और कहानी का अहतमाम नो डाउट के चौंका देने वाला है। अगर आपने अब तक ये सीरीज़ नहीं देखी तो ज़रूर